सी एम साहब ने भी फरमाया कि असी जिहड़े कानूनदान है उन्होंने मुशावरत कर रहे हैं और असी सुप्रीम कोर्ट च भी पंजाब का जिहड़ा मुकदमा है या मुल्क का या किसान का मुकदमा है उत्थे असी लेके जावांगे और दो बिना ते पंजाब जिहड़ी है ये लड़ाई लड़ेगा। तत कीते है किसानां ते एग्रीकल्चर जिहड़ा है ये स्टेट सबजैक्ट है और ये स्टेट सबजैक्ट दे विच सेंटर सरकार मुदाखलत करदी है ये कानूनी तौर पर गलत है इन्हों का कोई अधिकार नहीं से। दूसरा बिना तो ये भी सुप्रीम कोर्ट लेके जावांगे कि जो एक सरकार जिहड़ी है वो दूजी सरकार की इकोनमी या अर्थचारे नूं तबाह करन दा उन्हां दा कोई अधिकार नहीं है। सो ये जिहड़ी लड़ाई है ये कानूनी भी लड़ांगे और जिस तरह सी एम साहब ने कहा कि अज ये अजम करके चले हैं पंजाब की बदकिस्मती देखो या पंजाब या एक तुसी इहनूं कोई इतफाक समझ लो कि पिछले 25 सालां च पंजाब दे तीन वड्डे नुकसान होए। सब तो पहला तो 1998 जदों बीजेपी ते अकाली दल उन्हां दी कट्ठी सरकार सी उन्हां ने जिहड़े साडे बिल्कुल हमसाया साडे गवांढी सूबे है हिमाचल जम्मू कश्मीर ते उत्तराखंड नूं उन्हां नूं स्पैशल कंसैशनस देतियां इनकम टैक्स दियां सेंट्रल एक्साइज दियां। हालांकि चाहिदा यह सी कि पंजाब एक दहशतगर्दी की लड़ाई तो निकलिया सी पंजाब के जख्मां ते मलम लगदे मलम तो लाउणी बहुत जरूर दूर की गल है। पंजाब की जिनी इंडस्ट्री सी और तुसी जिहड़े इत्थे खड़े हो वो सारी जिहड़ी है इत्थे तबाह हो। दूसरी बारी जिहड़ा जदों जी एस टी का निज़ाम आया पंजाब दा 25% टोटल टैक्स रेवेन्यू जिहड़ा है वो जी एस टी ने खत्म करता। इन्होंने सानू ये गल कही कि तुसी इस गल का फिक्र ना करो जो थोनू घाटा पिया असी 5 साल वास्ते असी भरपाई करांगे और अज 6 महीने हो गए है 6 महीनों तो इन्होंने साडी कॉम्पनसेशन रिलीज़ नहीं की वो उन्होंने हुण मुकरन दी उस ते आ गए है नौबत ते। सो 9000 करोड़ रुपया 9000 अप्रैल सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अज 28 तरीक हो गई है 9000 करोड़ रुपया पंजाब ने सेंटर तो वसूल करना है। हुण असी एक प्लीज़ असी हुण दसो भी इहदे च की करिए असी स्कूल बंद कर दिए कोई सेंटर पैसे नहीं दे रहे हस्पताल बंद कर दिए नहर बंद कर दिए असी जेलों के दरवाजे खोल दिए कि साडे कोल पैसे नहीं है इस किस्म के हालात जिहड़े है। और तीसरा जिहड़ा और उदों भी बीजेपी की सरकार सी अकाली दल उहदा भाईवाल सी और ये जिहड़ा एम एस पी का निज़ाम है ये जिहड़ा खत्म करन दा मनसूबा ये बिलों के राही आया सब ये तीन वारी पंजाब का नुकसान होया ये तुसी इतफाक समझ लो ये बदकिस्मती समझ लो। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह सी एम साहब ने कहा कि जदों हरा इनकलाब आया चिट्टा इनकलाब आया पाखड़ा डैम बनया चंडीगढ़ बनया पीजीए पंजाब दे विच जो भी तुसी तरक्की दे मनसूबे देख रहे हो वो कांग्रेस पार्टी की कोशिश ते काविश है। पंजाब दे किसानां नूं इस गल दा वादा विश्वास भरोसा यकीन तसली इतबार दवाना चाहना है कि जिन्नी पंजाब सरकार की हैसियत है और औकात है असी वह लड़ाई लड़ांगे। किसान वीरां नूं ये भी मैं कहना है कि मायूसी जिहड़ी है एक गुनाह है ये पंजाबियों की शनाख्त नहीं है और असी सिर ना सिर जोड़ांगे हथ ना हथ जोड़ांगे और ये लड़ाई जी इस हाई पावर्ड कमेटी जिहड़े मोदी जी कह रहे सी कि असी सन 22 दे विच असी किसान की इनकम दुगनी करांगे ये 3 मीटिंगां इहदियां रखियां गईयां। पहली मीटिंग तो पंजाब नूं शामिल ही नहीं किया गया असी सगों दे उन्हां नूं खत लिखिया भी जे पंजाब नूं एग्रीकल्चर की मीटिंग च नहीं सदना तो इहदा मतलब यह है कि लाड़े तो बगैर बरात किवें जा सकती है दूल्हे तो बगैर बरात तुसीं बरात लैके किवें आ गए। उन्होंने सानूं दूसरी मीटिंग शामिल कर लिया दूसरी मीटिंग दे विच जिहड़े मिनट्स है वह मैं चंडीगढ़ की प्रेस नूं बठिंडे दी नूं तां रिलीज़ करते हैं तुसीं वह मिनट्स जिहड़े आ मैं तुहानूं भी दे दूंगा उहदे विच कदी इह गल नहीं होई कि इहदे च एम एस पी खत्म करनी है या असीं ऑर्डीनेंस लैके आउणा और या असीं इहदे प्राइवेट जिहड़ा है इह तुसीं असीं लैके आउणा है। तीसरी मीटिंग सिर्फ अफसरां दी होई उहदे भी असीं जिहड़े पंजाब सरकार दी जिहड़ी जिहड़ा नुक्ते नज़र सी ओह असीं पेश करता है। सो मैं चाहवांगा जिहड़ी अज तुसीं प्रेस तुसीं रोशन दिमाग इंसान हो तुसीं इह दोने जिहड़े सुखबीर साहब ने जिहड़ी गल कही और जिहड़े पंजाब सरकार दे या मेरे उत्थे मिनट्स है ये पढ़ लिओ
फिर उन्हां तो इस सवाल इहदा जवाब जरूर देना है। और मैं बेनती करदा कि जिहड़े कैबिनेट च बैठे सी जिहड़े उन्हां दे भाईवाल सीगे जदों उन्हां दी गल नहीं सुनी तां तुसीं समझदे हो कि ऐसी और कोई कोई पंजाब दी सरकार जिन्हों 70,000 करोड़ रुपया जिन्हों के किसानों नू MSP ते आउंदा है जिन्हों 4,000 करोड़ मंडी टैक्स या रूरल डिवेलपमेंट फीस ते आउंदा है थोड़ी अकल ये मनन नू तैयार है कि ओ सरकार उत्ते मन के आऊगी। श्रोमणी अकाली दल ने जदों देखिया कि पंजाब दे विच रिएक्शन बड़े भरे मन नाल बीबा हरसिमरत ने अस्तीफा दिता होना है जदों उन्हां नू पता चलिया कि पंजाब दे विच रिएक्शन जिहड़ा है वो बड़ा बड़ा सख्त आया बड़ा शदीद आया मैं लगता उन्होंने परे मन इस्तीफा दिता है। और दूसरा वो कहते होंगे सी कि असी किसानों के मसी हैं और तुसी मेरे सामने हो और इस गल के गवाह हो कि बगराड़ी जो होया ना सिख धर्म की हिफाजत कर सके ते ना किसानों के मफादात की वो हिफाजत कर सके और श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा है ये दोनों मुहाजा ते फेल हो गई है।